भारतदार के अंदर भाग लेंगे। सम्मेलन कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर ऐतिहासिक होगा। जहां तक कल हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उनके निवास स्थान पर मेरी हुई है और मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई भी अधिकारी व्यापारी संबंध महकमे है, कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी व उद्योगपति को अपने निजी स्वार्थ के लिए तंग करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर लगाम कसी जाएगी और सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए भी कठोर से कठोर कदम उठाने की बात कही है। और जहां तक प्रदेश में व्यापार व उद्योग बढ़े उसके लिए विशेष योजना बनाई गई है, उसको कार्य रूप दिया जा रहा है ताकि प्रदेश में पहले से ज्यादा व्यापार व उद्योग को बढ़ावा मिले। 26 मार्च को जो सम्मेलन होगा उसमें भी मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारी उद्योगपति के हित के अंदर जो व्यापारी की मांगे हैं उसके ऊपर उनके सामने रखी जाएगी और उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करेंगे ताकि प्रदेश के व्यापारी को ज्यादा से ज्यादा राहत और सुविधा मिल सके। ये जरूरी बात है, कोई बात आपने पूछनी हो काम कर रखा है किसी बात दिक्कत नहीं है। मंडियों में जो फसल आ रही है इब 1 अप्रैल से गेहूं का सीजन है और जो फसल आ रही है मंडी के आरती के माध्यम से बिकती है और प्रदेश का किसान भी ये चाहता है कि मेरी फसल मंडी के आरती के माध्यम से बिके। तो हमारा यही एक मुख्य समस्या लगा लो, मांग लगा लो, जिस प्रकार पहले आरती के माध्यम से कृषि पर जो भी फसल है जो बिक रही है उसी तर्ज पर बिकती रहनी चाहिए, उसी प्रकार पेमेंट का भुगतान आरती के माध्यम से हो, ये भी हमारी मुख्य मांग है। मगर अभी तक सिस्टम वही चल रहा है, मुख्यमंत्री सिस्टम वही चला रखा है बड़ा अच्छे ढंग से, कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं है। फिर भी आगे के लिए भी हमारा यही मांग रहेगी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे और लाइन ऑर्डर के लिए भी काफी प्रयास है, मंडी के बाहर चौकी बनाना, बैंक के बाहर PCR मोटरसाइकिल राइडर लगाना, पैदल पुलिस व्यस्त करना ताकि अपराधी अपराध कर ही ना सके, अपराधी करने अपराध करने की सोचे उससे पहले ही धर पकड़ काबू आ जाए, ऐसी योजना सरकार बनाने जा रही है, ऐसा सिस्टम सरकार की तरफ से। ये मामला ये 5% किया जी, आप कह रहे हो 5% जैसे हमने 1,00,000 रुपए टैक्स बिल दिया, क्वार्टरली टैक्स देते हैं तो 5,00,000 रुपए टैक्स देते हैं, अगर उसका 5% प्रोत्साहन के रूप में कमीशन अगर व्यापारी को मिलेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार को पहले से 3 गुना टैक्स आएगा, क्योंकि व्यापारी ईमानदारी से और अपने व्यापार को बढ़ाएगा, उद्योग को बढ़ाएगा, वो होते हुए तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, इवन टैक्स भरते हैं हमें कुछ मिलता नहीं है। हमें कुछ आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 20,000 का टैक्स दिया हाँ 5% आपको वापस आ जाएगा, रिफंड बोल लो, कमीशन लगा लो, इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट क्या जो टैक्स हमने पे किया, वेट कर पे किया, मार्केट पे भी सर जुलाई से तो GST लगेगा ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के परवी में आएगा ही।